हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो दोस्तों, हम एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स में देख रहा था, बार बार कमेंट सेक्शन में मुझे टेक्स्ट कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि सर व्हाट अबाउट APFC नोटिफिकेशन। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि APFC नोटिफिकेशन आएगी ही नहीं, कोई ऐसा शेड्यूल ही नहीं है, और बहुत सी ऐसी बातें थी उसमें जिसमें और भी सब वो बातें कर रहे थे के कुछ YouTube चैनल्स भी बता रहे हैं APFC नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो मैं देखिए सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओल्ड चैनल वर्टेक्स को। तो आइए शुरू करते हैं अबाउट APFC नोटिफिकेशन, कब आएगी, आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, नोटिफिकेशन मैंने जैसे आपको अपना प्रीवियस वीडियो में बताया था 2022 में आएगी एट द वेरी अर्ली टाइम। कोविड की सिचुएशन हो जाए वो बात दूसरी, एक दो महीने डिले हो जाए, लेकिन अर्ली यानी मेरा मतलब है फेब मार्च अप्रैल कभी भी आपको देखने को मिल सकती है नोटिफिकेशन। और अब मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में ऐसा क्यों होने वाला है। तो फेब्रवरी मार्च अप्रैल 2022 लिख कर ले लीजिए, नोटिफिकेशन आएगी। आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मैंने जब भी आपसे किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कराया कि नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, हर चीज़ आपको एग्जैक्ट मिली है। जैसे मैंने आपको अप्रैल मंथ में ही बता दिया था कि नबार्ड का रिक्रूटमेंट आ रहा है और वो जुलाई अगस्त में आएगा, जब आप सब ये कह रहे थे कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। मैंने आपसे जब भी कहा था कि जुलाई में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, जुलाई या अगस्त में तो नोटिफिकेशन आएगा, और देखिए जुलाई में ही नोटिफिकेशन आया ग्रेड ए ग्रेड बी का। तो अब देखिए मैं पॉइंट्स आपसे क्लियर कर दूँ क्यों नोटिफिकेशन आएगी। देखिए, लास्ट टाइम का रिक्रूटमेंट करे हुए अब तक 6 ईयर्स के अप्रोक्स हो गया। अब क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि 6 ईयर्स में कोई रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं है। रिक्रूटमेंट की ज़रूरत तो होगी, EPFO में तो 3 साल में रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होगी, तो इसमें तो 6 साल में तो नहीं। इसमें एक चीज़ और होती है, 50% ऑक्यूपेंसी जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन से ही भर ली जाती है। मान लीजिए 100 सीट्स हैं तो 50 सीट्स क्या है, डिपार्टमेंट से ही भर ली जाएंगी और 50 की वैकेंसी निकाली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो मैंने अपने बात करने की कोशिश करी, देखिए अब मैं आपको ये तो बताऊंगा नहीं मैंने किससे बात करी और कहां करी क्यों, लेकिन जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं जेन्युइन है। मैं क्योंकि मेरे साथ के बहुत से कलीग्स वहां पर हैं तो मैंने उनसे जानकारी निकालने की कोशिश करी। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी उन पर बात करूँगा, कॉल करूँगा और तुरंत इन्फॉर्मेशन देंगे, उन्हें भी तो आगे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है, उन्हें ये पता करना पड़ता है कि ऐसी डिपार्टमेंट में कोई बात हो रही है या नहीं हो रही। तो वहीं से मैंने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी। उन्होंने कहा था मेरे से, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया अपनी में, कि सर APFC नोटिफिकेशन की बात तो चल रही है लेकिन इसका जो प्रोसेस होगा स्टार्ट वो आफ्टर EPFO एग्ज़ाम होगा, जब EPFO का एनफोर्समेंट एग्ज़ाम और अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम यानी शेड्यूल पूरा हो जाएगा। शेड्यूल से समझे आप, यानी पहला तो एक तो हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट हो जाए, रिटन एग्ज़ाम, दूसरा इंटरव्यू हो जाए, उसके बाद तीसरी प्रोसेस क्या है हमारा, फाइनल रिज़ल्ट। जब ये तीनों चीज़ हो जाएं, बेसिक जॉइनिंग रह जाए लेकिन ये तीनों चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी उसके ही बाद APFC का रिक्रूटमेंट आएगा। तो मैंने उनसे बस यही जानने की कोशिश करी थी कि ये प्रोसेस EPFO कब तक कम्प्लीट करना चाहता है। तो आपको जानकर बहुत हैरानी भी हो सकती है, EPFO क्योंकि अब बहुत प्रोसेस डिले हो गई है EPFO एग्ज़ाम की, शायद अब तक जॉइनिंग भी हो जानी चाहिए थी अगर कोविड की कोई सिचुएशन नहीं आती और अक्टूबर 2020 में इसका एग्ज़ाम हो गया होता। तो EPFO क्या कोशिश कर रहा है, EPFO इसको जनवरी फरवरी तक कंप्लीट करना चाह रहा है 2022 में। जनवरी फरवरी तक इसको कंप्लीट करना चाह रहा है बहुत डिले की वजह से। तो आप मानकर चलिए, तो अब आप ये मानकर चलिए कि अगर देखिए 5 सितंबर को एग्ज़ाम है ना, तो इसका रिज़ल्ट अक्टूबर में ही आपको मिल जाएगा और नवंबर एंड
या दिसंबर में आपका इंटरव्यू प्रोसेस पूरा हो जाएगा और जनवरी एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये गारंटेड है। क्योंकि ईपीएफओ बहुत तेज़ प्रोसेस करेगा, क्योंकि उसको आप देखिए, मैंने जब उनसे जाननी चाहिए कि सर एपीएफसी का नोटिफिकेशन अगर ईपीएफओ जनवरी फरवरी तक कंप्लीट हो रहा है तो एपीएफसी का नोटिफिकेशन क्या तुरंत आ जाएगा, तो उन्होंने कहा कि तुरंत का मतलब ये है जब हमारी प्रोसेस पूरी हो जाएगी और हम पे केवल जॉइनिंग की ही प्रोसेस बचेगी तो उसके बाद हम एपीएफसी का नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज़ कर सकते हैं। यानी मान कर चलिए फरवरी तक रिक्रूटमेंट हो जाएगा, हालांकि जनवरी एंड तक है, मैं तो मान के चल रहा हूँ फरवरी वन मंथ डिले हो गया, तो मार्च अप्रैल कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा 2022 में। और जो ये कहते फिर रहे हैं ना कि नहीं आएगा नोटिफिकेशन 2025 तक, कहीं नहीं आएगा 2026, मैं एक कमेंट देख रहा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, पता नहीं किसने कर रखा था, नाम तो मुझे कुछ याद नहीं है, उन्होंने कर रखा था कि 2025 तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो दो तीन बच्चे और जुड़ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि भाई तुझे कैसे पता, तो वो भी अपनी कुछ डिस्कशन सी बता रहा था कि ये बात हुई थी मेरी बात। अरे यार यूपीएससी में गए तुम, ये होगा चेयरमैन को डायरेक्ट कॉल कर दो कि सर व्हाट अबाउट नोटिफिकेशन एपीएफसी का कब आएगा, और वो तुम्हें बताएंगे बेटा 2025 में आएगा। मजाक बना रखा यार, इन्फॉर्मेशन ऐसी थोड़ी है यार। मैं भी जिनसे कोशिश करता हूँ, आज पूछता हूँ तो कम से कम 10 दिन लग जाते हैं यार इन्फॉर्मेशन आने में, ऐसी थोड़ी है। और वो भी एग्जैक्ट तो आती ही नहीं है, एक एक्सपेक्टेड रहती है बस, एग्जैक्ट तो कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि जब यूपीएससी ने अभी खुद ही डिसाइड नहीं करा होगा कि कब कराना है, हम तो ये आपको एक एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, क्योंकि ईपीएफओ ख़त्म होने के बाद आएगा, तो हमने बस इतना जानना चाहे कि ईपीएफओ का कब तक ख़त्म होगा सारा प्रोसेस। तो उन्होंने बताया कि जनवरी फरवरी के आसपास तक कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, अगर हम मान कर चल रहे हैं फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा तो मार्च में अप्रैल में आ जाएगा। तो ये तो अभी उन्होंने भी डिसाइड नहीं करा होगा कि जी 20 मार्च को हम नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो इस चीज़ पर आप बताइए, नोटिफिकेशन मैं जो आपको बता रहा हूँ इस दौरान आपको नोटिफिकेशन देखने को ज़रूर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बस आप टेंशन लें तो अपनी पढ़ाई की टेंशन लें, हमें पढ़ना कैसे, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। अब आइए बात करते हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो देखिए, मैंने अभी एक सेशन शुरू करा है ईपीएफओ के लिए, जिसमें मैं 10 सेशंस कराने वाला हूँ, और हर सेशन में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, उसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स का आपके साथ डिस्कशन करा है। मैंने पहले में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन करा है, अब मैं एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँगा, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब एस्टेब्लिश हुए, कौन चेयरमैन है, कितने मेंबर्स हैं, कौन मेंबर नहीं है, जैसे क्वेश्चन आए भी हैं। एक मैं रिजर्व बैंक की बात करूँगा, एक मैं ग्लोबल इंडेक्स की बात करूँगा कि इंडिया के रैंक किस इंडेक्स में कितनी आई, एक मैं स्टेट बैंक की बात करूँगा, बहुत सी मुझे बातें करनी है अभी, कैपिटल करेंसी करनी है, ऐसे मैं 10 लेक्चर्स करा रहा हूँ। अब देखिए ये 10 लेक्चर्स मैं आपको बता दूँ एपीएफसी में भी बहुत बेनिफिशियल हैं, आप एपीएफसी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लें, उसमें भी बहुत ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है। जैसे एक क्वेश्चन आया था वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे जो मैंने अभी 2 दिन पहले ही डाली है, और काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन भी मिल रहा है उस पर, तो स्टूडेंट्स अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको पढ़ना। और ये मान के चलिए जो आपके एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है जो 25% के अराउंड मार्क्स इसी के होते हैं, ये सेक्शन में भी, इस सेक्शन के अंदर भी तकरीबन 20-25% के यही सब पैटर्न आता है स्टैटिक जीके। तो आप पहले तो देखें, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा वो इधर उधर फिरते रहते हैं, इसका पेड कोर्स ले लिया, उसका पेड कोर्स ले लिया, कहीं 2000 का ले लिया, कहीं 10000 का ले लिया, अरे यार उससे होगा क्या, पढ़ना तो सेल्फ पड़ेगा, ये कोर्स क्लास पूरी कर ली और एग्ज़ाम दिया है सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ना तो सेल्फ पड़ेगा ना। अपने नोट्स को इस हिसाब से तैयार करो कि कुछ चीज़ छूटे ना, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा भी ना बने, कुछ चीज़ छूटे भी ना। अब देखिए मैं खुद ईपीएफओ का एस्पायरेंट हूँ, मुझे खुद ईपीएफओ का एग्ज़ाम देने जाना है, साथ ही साथ एपीएफसी का भी मैं एस्पायरेंट हूँ, मुझे खुद एपीएफसी की वो इंतज़ार है कब से, बहुत ज़रूरत है कि मैं भी यार ऐसी प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एग्ज़ाम को मैं क्रैक करूँ। तो मैं जिस हिसाब से अपने आप अपने नोट्स तैयार करता हूँ, जिस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करता हूँ, तो सेशन में कम क्यों लाता हूँ, क्योंकि मैं कम इसलिए लाता हूँ क्योंकि जो मैं तैयार करता हूँ उनको फिर एक्यूरेटली देता हूँ। तो देखिए आप कहीं भी बिल्कुल उसमें पढ़िए, जितने सेशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ यकीन मानिए इतने बेनिफिशियल हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, और मेरा पिछला जो मैंने आपको सेशन दिया है स्टडी जीके वाला वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन उठा लीजिए, जितने भी क्वेश्चन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से आएँ यूपीएससी के एसएससी के, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऐसे मैं आपको 10 सेशंस कराने वाला हूँ, तो आप इन 10 सेशंस को करिए, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको इंग्लिश कराऊंगा, वो कैप कराऊंगा, थोड़ा सा रीजन मैं हर चीज़ आपको करा दूंगा। अगर आप एपीएफसी के एस्पायरेंट हैं तो मैं धीरे धीरे आपको
3-4 मंथ्स के अंदर सारे चीज़ सारे सेशन प्रोवाइड कर दूंगा इसमें। तो आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की चिंता छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन आएगी 2022 अर्ली, मैंने कह दिया आपसे तो बस ये समझ लीजिए कह दिया नोटिफिकेशन आई। किसी के चक्कर में मत पड़िए कि वो ऐसे कह रहा है वो ऐसे कह रहा है, अरे जो कह रहा है कहने दो, हमको पता है नोटिफिकेशन आएगी तो बस आएगी। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, APFC के सीरियस एस्पायरेंट हैं सब्सक्राइब करें, APFO के एस्पायरेंट हैं सब्सक्राइब करें, इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं। मैंने आपको पहले बताया 10 सेशंस कराऊंगा, 10 सेशन में से 8-10 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 20-25 मार्क्स आपके इन्हीं 10 सेशंस से कवर हो जाएंगे। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।